और भाई कैसी है पब्लिक। सो आज भी मेरे पास काफी सारी न्यूज है, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके देन बात करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की, जो के लिए अंशु बिष्ट को लेके। तो अपने अंशु भाई नॉमिनेट हुए हैं गेमर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे वेबसाइट का लिंक शेयर किया था और अपने ऑडियंस से बोला था कि उन्हें वोट करो। तो इसके बाद लिटरली काफी सारे लोग एक साथ उस वेबसाइट पर आ गए और वेबसाइट ही क्रैश हो गई। एंड इस पर अंशु भाई ने एक वॉइस नोट भेजा और क्या बोला देखो तुम लोग। आइए, वोट करने के लिए बोला था मैंने, साइट क्रैश कराने के लिए तो नहीं बोला था। ऐसे अब मेरी अपनी नहीं खुल रही है, मैं देख रहा हूँ वहाँ रिफ्रेश करने के लिए कि क्या हमारी वोटिंग बढ़ी, अब वो वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। ये भी ठीक है। ऑल्सो अंशु बिष्ट की बात हो रही है तो कल था संडे और हमेशा की तरह हमें कल इनकी लिली विली की स्ट्रीम देखने को मिली, और इस स्ट्रीम में हमें लाइव सौरभ जोशी भी देखने को मिले। वो एक्चुअली अंशु भाई से मिलने आए थे और उन्हें पता नहीं था कि वो लिली विली की स्ट्रीम कर रहे थे, और सौरभ जोशी ने फ्रीड भाई के बारे में लाइव कुछ बोला है, तो क्या बोला है देखो तुम लोग। मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा, मैं जब भी भाई घर पे आता हूँ, भाई मतलब यहाँ पे मतलब रूम में बंद रहते हैं और इस तरह से मतलब स्ट्रीम करते रहते हैं, गेमिंग करते रहते हैं, तो मतलब आंखें मतलब नींद भी पूरी नहीं होती है, तो मतलब मैं हमेशा मुझे देख के काफ़ी दया आती है कि इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत का फल भी मिलता है। बट हाँ, भाई को ऐसी सपोर्ट करते रहना एंड जल्दी ही 10 मिलियन 20 मिलियन। अरे यार भाई यार। बस सपोर्ट करना। अरे यार नहीं यार सौरभ भाई ऐसे मत रुलाओगे क्या भाई यार, ऐसे मत बोलो यार। गाइस जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबा दीजिए एक बार। ऑल्सो जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि जो पीयूष जोशी है वही गेमर फ्रीड का जैक है, और अब जब कल सौरभ जोशी मिलने आए थे तो उनके साथ पीयूष नहीं था, जिसके बाद लोग चैट में स्पैम करने लगे कि पीयूष ही जैक है इसलिए वो उनसे मिलने नहीं आया। तो उस पर फ्रीड भाई और सौरभ जोशी ने क्या बोला देखो तुम लोग। भाई पीयूष क्यों नहीं आया, क्योंकि पीयूष तुम्हारा जैक है। भाई पीयूष कहां है अभी, क्या कर रहा है पीयूष? आपको कैसे पता चलेगा? मेरे को नहीं पता जब जैक कौन है। कैसे पता आपको जैक कौन है जब मुझे ही नहीं पता जैक कौन है? मतलब बता दो मुझे क्या है भाई, मेरे को ही नहीं पता जैक कौन है, आपको कैसे पता होगा जैक कौन है? है ना, अभी तक का बता देता अगर पता होता तो। जैक इस पीयूष? नहीं पीयूष जैक नहीं है भाई, ये झूठ है भाई, झूठ है भाई। जैक है पीयूष पहले बताओ। पीयूष तो नहीं है भाई। हाँ तो पीयूष नहीं है, अब हमें पता करना है कि जैक है कौन। बात करते हैं आप लगी न्यूज की, जो के लिए प्रो बॉयज 95 को लेके। तो ये संडे को एक माइनक्राफ्ट इवेंट करवाने वाले हैं, जिसका अपडेट देते हुए उन्होंने ये स्टोरी डाली। प्रो गैंग, आई एम होस्टिंग अ माइनक्राफ्ट बिल्ड बैटल इवेंट नेक्स्ट संडे, टिल देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन द फ्री सर्वर एंड हैव फन, सर्वर आईपी ऑन डिस्कॉर्ड अनाउंसमेंट चैनल। ओके देन बात करते हैं आप लगी न्यूज की, जो के लिए लोगी गेमर को लेके। तो फाइनली लोगी वापस आ गए हैं और हमें 6 अगस्त यानी कि संडे को इनका न्यू वीडियो देखने को मिलने वाला है, और उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट करी, सॉरी गाइज मैं टाइम से एक्टिव नहीं था बट अभी बहुत हो गया टाइम पास, चलो वीडियोस बनाते हैं। संडे 6 अगस्त को वीडियो आ रही है विद सरप्राइज, प्लीज ब्रो सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। तो हाँ, सरप्राइज ये होने वाला है कि ये अपनी लोगी एसएमपी के साथ वापस आ रहे हैं। ऑल्सो इनके भाई चपाती गेमर ने भी कम्युनिटी पोस्ट करी, लोगी कहाँ है आजकल कमेंट में यही है। ओके सैटरडे लोगी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, तो हाँ अब सैटरडे को पता चलेगा कि लोगी क्या बोलते हैं। ओके देन बात करते हैं आप अगली न्यूज की, जो कह रहे आई एम भिक्षु को लेके। तो क्या भिक्षु होगलाला एसएमपी को ज्वाइन करने वाले हैं? तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो जैसे कि आपको पता ही है कि होगलाला एसएमपी में अभी और भी काफी सारे मेंबर्स आने वाले हैं, और अब कल भिक्षु ने कम्युनिटी पोस्ट करी एसएमपी, और जहां तक मुझे लगता है कि भिक्षु ही होगलाला एसएमपी के न्यू मेंबर होने वाले हैं। ऑल्सो भिक्षु की बात हो रही है तो इनके भिक्षु चैनल पे कंप्लीट हो गए हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, एंड इस पर उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट करी 500 के स्ट्रॉन्ग लव यू ऑल। तो हां भिक्षु भाई को बिग कांग्रेट्स। ओके देन बात करते हैं आप अगली न्यूज की, जो क्रिकेट ट्रिगर्ड इंसान को लेके। तो जैसे कि कल इनका मीटअप था दिल्ली में, जहां पर वो अपने भाई फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रहे थे, और लिटरली इस मीटअप में 20,000 से ज्यादा लोग आ गए थे, और ट्रिगर्ड इंसान ने एक स्टोरी डाली, मोर देन 20K पीपल टर्न्ड अप फॉर द मीटअप, दिस वाज जस्ट क्रेजी, थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु कम्स, जस्ट हम्बल एंड थैंकफुल, ऑब्वियसली इवेंट वाज नॉट परफेक्ट क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया, बट स्टिल काफी कुछ सीखने को मिला, लास्टली फर्स्ट थैंक यू सो मच दिल से। हां जैसे कि इन्होंने बताया है कि मोर देन 20K पीपल मीटअप में आए थे, जो कि एक काफी ह्यूज नंबर है। ऑल्सो बिग बॉस की बात हो रही है तो बिग बॉस में एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है 500 रुपए वाली। तो आप सबको पता चली गया होगा कि सलमान खान ने कुछ बोला था वीकेंड के वार में एलविश यादव को, तो अब इस पर यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया है, तो रचित्रू
बोले व्हाट इज दिस 500 रुपीज YouTube मेंबरशिप कंट्रोवर्सी इन बिग बॉस, आई जस्ट वोक अप अ लॉट ऑफ ट्वीट्स ऑन दिस। बिक्स ने ट्वीट किया आई एम ग्लैड आई डिडंट वॉच ये वाला बिग बॉस, आई डोंट गिव अ डैश अबाउट बिग बॉस, बट बात कम्युनिटी पे आ गई है, अगर YouTube से इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें तो लेके ही क्यों आए यूट्यूबर्स को शो में। पर्सनली गिविंग 500 इन मेंबरशिप इज वे बेटर देन थ्रोइंग देम ऑन अ बिग फैट 3 आवर्स पीस ऑफ रेपिटेटिव गार्बेज। खतरनाक ईशान ने ट्वीट किया भाई हैशटैग एल्विश यादव सिस्टम कुछ ज्यादा ही बड़ा है शायद, सलमान खान को तक बॉयकॉट करने की बातें हो रही हैं। सलमान खान के इंस्टाग्राम पे कमेंट्स पढ़ के आया तो हाँ भाई रियली में सिस्टम हैंग कर दिया है एल्विश भाई ने। ओके सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।